अंदर प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग जो है ना, फिर से घर से की रूटीन है, घर से स्टार्ट कर रहे हैं। और सुबह से सफाइयों का आज दौर चल रहा था कि आज लैबा का जोश आया हुआ था, दूसरे सफाइशें ज़रा अच्छी की हैं। मुझे भी जब गुस्सा आता है मैं भी सुना देती हूँ, तो काम नहीं करते बैठे रहते हैं सारा दिन, तो सफाई में बस अच्छे ठीक से कर देती हूँ। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हमारा ना वो जाने का प्लान है, फैमिली गैदरिंग है, बच्चे नहीं जाएंगे, फिर बच्चे ऊँची जगहों पर नहीं जा सकते, तो इनको मैं इसके बाद लेके जाऊँगी इंशाल्लाह ज़रूर। कान रखे हुए हैं कि क्या कह रही है हमारे बारे में, यहीं पर रुको, बच्चों ने मेरी जाना है और हमारे पास जाना है, संडे को हमने जाना है इंशाल्लाह। तो जो जो वहाँ पे होगा फैमिली गैदरिंग में आपके साथ शेयर करूँगी। बहन भाई जा रहे हैं सारे, ये भी है ना, तो ये भी खड़े। आज सुबह गांव से आए थे जिसके असीब के कजन आया हुआ था, चचा का बेटा जो है ना, उनकी डिलीवरी है, तो सिलसिले में आए हुए थे, तो अल्लाह पाक उनको ना खैर वाफियत से जो है ना उनका बेबी आए, काम करे अपना करे। 3 तारीख को दोबारा बुलाया डॉक्टर ने, और यहाँ पे आप सीफ से सुने तो सलाम करेंगी। अभी मेरे भाई आ रही है, मैं बना रही थी खाना, तो लाइबा कहती है कि जरा स्टार्ट कर लें फिलहाल, इधर से वो उधर सलाम करे लैपटॉप, वो लैपटॉप नहीं है टैबलेट है, इधर आओ, मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो। मम्मी सबके मैं गिटार लेके दूंगी, लेके नहीं ठीक करा दूंगी वो ऐसे वाला। हाँ ठीक है, ठीक रहा वो जो गाना गाता है इंशाल्लाह। उधर सलाम करें अभी, क्या सलाम लेकर कैसे हैं सब, पूछो कैसे हो सब, उधर पूछो कि आप सब कैसे हैं। मुख बनाते हो, मुख बनाते हो, कहते हंस आशा हंस रही है, यहाँ बैठे जी चले। ये भी इतनी देर टिक गया है, बड़ी बात है इसकी, तो अभी यहाँ पे दिखाते हैं जी आपको ना, नायाब डांगे सीधी करो, नायाब जी अपने टैबलेट के साथ खेल रही है, इधर नायाब इधर इधर सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो नायाब? ठीक हो? ठीक हो? हाँ। आप भी कहती नायाब तो इसका चांद हो गई, नजर ही नहीं आती अब तो। पहले मेरी तबीयत खराब थी, अब बेहतर है। चलिए शुक्र है, उसकी तबीयत खराब थी, ये पेट में तकलीफ थी, इसको खाना बहुत कम किया हुआ है, इसने खा नहीं रही है, कोई एक टाइम में कोई एक स्लाइस खाती है, तो रात से हम इसको मेडिसिन दे रहे हैं, अब इसे भूख लगेगी है ना। नायाब जी अपनी टेबलेट के साथ लगी हुई है, क्या देख के रही है, मैं ये देखूं बच्चों को, अच्छा बच्चों को देख रही है। मिली है जी, नहीं मैं इधर से गर्मी के सताए हुए हैं, ना के आया ऊपर से आपके पसीना आ गया, ना के आए नीचे पर तक पसीना पसीना, गर्मी इतनी है। कैसी तबीयत है जी, सब बहन भाई को बताएं आपकी बाजी की, डॉक्टर ने क्या बताया? सिस्टर वो डॉक्टर ने उनको यही बताया कि एक वीक मेडिसिन खाएं, कुछ टेस्ट और कुछ वीक के लिए, तो उन्होंने कहा जी नेक्स्ट जो है वो वेडनेसडे को दोबारा आए, अगर ऑपरेट करना होगा तो फिर आपको रेफर करेंगे हॉस्पिटल में, तो ये तो थोड़ी सी बेहतर है तबीयत उनकी, अगर टेस्ट वगैरह कुछ आ जाए तो उसके बाद ही तो डॉक्टर फैसला करेंगे। तो शुक्रिया सब यूट्यूब फैमिली का जिन्होंने दवाई दी है मेरी सिस्टर के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह जो भी है देखने वाले हैं हमारे तरफ से भी उनके लिए भी दुआएं, अल्लाह सब को सेहत याद रखे, हर बीमारी से महफूज रखे, ये दिन वक्त के साथ साथ चलता है, इंसान बीमार भी होता है ठीक भी होता है, इसमें बंदे का कुछ ख्याल कोई नहीं, अल्लाह तला ही है। बहुत शुक्रिया सब बहन भाइयों का भी, उन्होंने दुआ की, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, जिन मैंने उन्हें दुआ की है इनकी आपी के लिए, अल्लाह उन्हें सेहत दे परवरदिगार, क्या पता किसकी आमीन से उनको शफा मिल जाए। अजीम को मिल गई है कि टैबलेट, आप उसको देखे जरा किस गौर से, वो देख रहा है, देख रहा है, हाँ देख रहा है,
वायर चल रहा है 45 टेम्परेचर और एसी में बैठ के चाय की याद आ रही है और चाय जाने से पीनी है आज तकरीबन टोटल ब्लॉग हमारा इसी रूम में बन गया है, इसीलिए ना यहाँ पे लाइटें ज्यादा लगाई हैं। पहले वाले लाइटें डिम हो गई थी, एलईडी एसएमडी तो ये न्यू कलर लगाई है, तो हमने कहा चलो इसका रिजल्ट चेक करते हैं कैसा है। आप लोग बताना हमें कितना सारे के इसका रिजल्ट कैसा है। ये जो लाइट्स अब जरा ज्यादा थी रूम में, लाइट कम थी इसलिए, तो गर्मी इतनी ज्यादा है बाहर जाने को दिल भी नहीं कर रहा है। एक ही रूम में बना रहे हैं, एसी लगा हुआ है इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं और एक इराके रूम में एसी है। इरा असल में सो रही हैं तो उठेंगी तो फिर उनको उनसे मिलवा दूंगी मैं आपको। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग जो आपके साथ शेयर किया है, बच्चों को मिलवाया है, जो जो काम किया है उन्होंने वो भी तो मैं बता रही हूँ कि मेहरबान ने आज घर को साफ सुथरा कर दिया है। तो दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। आ गया इस्लामाबाद में और बारिश हो रही है। कोसे कज़ा भी बन गई है जनाब, रेनबो बन गई है जी, रेनबो। मौसम एकदम आज 45 डिग्री था, बस अल्लाह ताला ने जब हवा चलाई है तो अब